वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप सबके? हैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। जैसा कि कल राम जी की बर्थडे थी और उसकी काफी ज्यादा सेलिब्रेशन की और बहुत अमेजिंग किस्म की सेलिब्रेशन की गई, तो हमें काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यानी कि आप राम नवमी पे रिएक्शन दें। हम लोग फर्स्ट टाइम रिएक्शन देने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जो है राम जी का बर्थडे का सेलिब्रेशन की वीडियोज फेस्टिवल जो है वो देखने जा रहे हैं। होप सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली हो, आपको पसंद भी आएगी। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के बटन लास्ट में प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो 1 2 3 एंड गो। ये गाड़ी रोक रहे हो, ये गाड़ी रोक, मैं गाड़ी रोक। अभी खूब रहा है ना सेलिब्रेशन। राजा सिंह किसी के बाप से डरने वालों नहीं हो। अरे हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। अरे तुम्हारी गांड में दम है तो जाओ उन दो कुत्तों का मुंह बंद करके बताओ, मैं देखता हूँ। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उसको रोको, तुमने उसको नहीं रोका, हरामी को दिया। अरे हमने हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। अरे जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है, अरे एक घर, अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। मैं उनको कहना चाहूंगा जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राजनीति करियर खत्म हो जाएगा, हिंदू के प्रति बात करना बंद कर दो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे मैं एक हिंदू हूँ, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। अरे 2 बार विधायक बन चुका हूँ मैं, हमारे पुलिस के अधिकारियों से आज निवेदन करता हूँ जो आज मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा सर दर्द बनूंगा, तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूँ इस राजनीति को, जहां पर हिंदू के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक ही एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। अरे आज हिंदू राष्ट्र बने, अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने। अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने, मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे, क्या तुम रोकोगे उन लौ जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में,
बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लव जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम FIR करते हो मेरे खिलाफ। अरे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कईयों साधु संतों ने, कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गोली खाई। अगर उनके बारे में मैं ट्विटर में ट्वीट करता हूँ तो तुम केस बुक करते हो मेरे ऊपर। अरे गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है। अगर गौ हत्या के खिलाफ मैं बात करता हूँ तो मेरे ऊपर FIR करते हो। जेल से बाहर आया, आप विश्वास नहीं करोगे, FIR पे FIR मेरे ऊपर बुक की जा रही है, केसों पे केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ रामनवमी के बाद मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, पता नहीं मैं कब आऊंगा। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, बहुत सह चुके अब हम नहीं सहेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की आवाज आप सबको उठाना है मेरे भाइयों। अरे दो दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज काहे रहे ऊपर? अरे मादर चोदो, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं तो आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आंख उठा कर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली उठेगी उसका हाथ, उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह हो, उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार निछावर कर दिया। मैं मेरे परिवार को भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे परिवार का निछावर कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं बच गया तो सालो तुम नहीं बचोगे, अगर मैं बच गया तो कोई नहीं बचेगा। तो सबसे पहले तुमको मुझे मारना होगा, उसके बाद में बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी तो हमारी जो वीडियो है बहुत खत्म हो गई है। हम लोग आपको पता है जैसे कि श्री राम नवमी की जो कल की पूजा थी उससे रिलेटेड वीडियो देख लेते, लेकिन यहाँ हम लोग वो भाषण सुन रहे थे जो कि राजा सिंह का था। और वो बता रहे थे, वो भाषण में कह रहे थे कि बेसिकली उनको काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही हैं जो कि धर्म के नाम पे दी जा रही हैं, यानी कि वो हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदू धर्म के रिलेटेड जो बात करते हैं वो खुलेआम और खुले में करते हैं। वो कहते हैं ना, जो बंदा चौड़े में बात करता है और खुली आवाज़ लगाता है, जो उसके दिल में होता है अपने विचारों का, जो कहते हैं ना जो भी है सामने खुल के बयान करता है, तो उसको इस तरह की धमकियां तो मिलती रहती है। वो बता रहे थे कि मुझे जो है वो इस तरह धमकियां दी जा रही कि आपके बेटे को उठा लेंगे, और वो काफी भाषण दे, वो कह रहे थे किसी में अगर हिम्मत है तो वो मतलब खुले में धमकी मिलना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से देखें जो कंट्री है वो आजाद है, जैसे कि इंडिया में, भारत में, और हिंदू धर्म की बात करना क्या मतलब, ये किस तरह से लिया जा रहा है ना इसको कि उनको खुले में राजा जी को धमकियां मिल रही हैं कि उनके बेटे को उठा लिया जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि अगर किसी में दम है तो बताए, और ये जो आप
मैं ये भी कहीं ना कहीं कहूंगी कि राम जी से जो उनकी पूरी वो हमें रामायण है सब कुछ है, तो मतलब उससे जो सबक मिलता है वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ में कठिन वो गुजारे, लम्हे गुजारे, तो उनसे यही सबक मिलता है कि इंसान को मतलब सब्र से काम लेना चाहिए और बस वो कहते हैं ना अपनी राह पे चलते रहना चाहिए। हालांकि वो उन्होंने कितनी ज्यादा मतलब कठिन जिंदगी भी गुजारी जब उनको वनवास पे भेज दिया गया, तो हमने वो सारी हम लोग कहीं ना कहीं अभी हम लोग बहुत जल्दी रामायण पे भी ना वो अपना वीडियो बनाएंगे लाजमी, तो हाँ उसकी मजीद हमें जानने को मिलेगा। जो तारुफ था ना वो भी पॉलिटिकल साइंस, हाँ पॉलिटिकल साइंस से थोड़ी था, मतलब पॉलिटिकल था ना, हाँ सियासत में थे। वो कह रहे थे अगर मेरी सियासत भी जाती है तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं धर्म की बात करना नहीं छोड़ूंगा। वो खुले में कह रहे थे, वो काफी मतलब वो कह रहे थे, और वो कहते हैं किसी में दम है तो दिखाए सामने आके। तो उन्होंने स्पेशली वो अपना जो था वो भाषण भी दिया, और मुझे तो काफी अच्छा लगा कि वो देखो एक इंसान अगर धर्म की बात करे तो उसमें इतने कौन से मतलब बात है कि इतनी आप धमकियां मिले उनको, और जिस तरह से, और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हिंदू रहते हैं भारत के अंदर। और देखिए मुझे मुझे तो ये लगता है कि हर धर्म की एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सब रिलीजन को चाहिए एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें, ताकि कभी भी कोई क्लेश हो ही ना, कोई मसला मसाइल हो ही ना, ताकि इंसान जो है वो सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। और मुझे तो वीडियो काफी ज्यादा, और यार लोगों का क्या जोश बलबला था, काफी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, तो मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, भाषण सुनने का मजा भी आया, जो वो खुले में बात कर रहे थे ना। कहते हैं ना जो भी इंसान के विचार हो वो सामने रखने चाहिए और बिना हिचकिचाहे रखने चाहिए, तो मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी और मजे की भी वीडियो लगी। आई होप आपको भी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, पहले से बस हमारी वीडियो सबसे पहले आप सब पहुंच सके। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।